रोबोट आज की दुनिया के इंसान जैसे ही हो गए हैं, जो कि हर काम करने में सक्षम है और उन्हें हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। इसी तरह के एक काम यानी कि अंतरिक्ष का कचरा उठाने का काम चीन ने अपने एक रोबोट के द्वारा करने का सोचा है, जो कि 27 अप्रैल 2021 को रोबोट प्रोटोटाइप नियो 61 क्लियर स्पेस लॉन्च किया है, जो कि चीन ने किया है। यह अंतरिक्ष के कचरे को यानी कि मलबे को, जो कि सैटेलाइट के मलबा और जो रॉकेट वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं उनके कचरे को उठाकर ले कर आएगा। यह काम कैसे करेगा? उसमें एक जाल लगा होगा जो कि वो उनको इकट्ठा करके उसी के द्वारा नष्ट कर देगा, यानी कि बहुत ताप से नष्ट कर देगा। यह चीन ने किया है, जो कि उनका है नियो 61 क्लियर स्पेस डेब्रिस। यह इसके साथ साथ छोटे आकाशीय पिंडों का निरीक्षण भी करेगा और वहाँ पर घूम रहे छोटे मोटे पत्थरों जैसे कि चट्टानों का उसमें खनन करके उनके अंदर जानने की कोशिश करेगा कि उनके अंदर कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन सी धातु हैं। इस रोबोट को माइनिंग कंपनी के अनुसार सेंजेन स्थित ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह 30 किलोग्राम का है और यह अन्य क्षुद्र ग्रह का भी निरीक्षण करेगा और उनको जानने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत से देशों द्वारा अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह लॉन्च करते गए हैं, जो कि वहाँ पर कई बार नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि वहाँ के कबाड़ कचरे को उठाएगा और इसमें अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसके द्वारा उसे मलबे को जला भी दिया जाएगा वहीं के वहीं, यानी कि पृथ्वी का लाने की उससे कोशिश भी नहीं करी जाएगी। अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने का मिशन वर्ष 2009 में जब पहली बार विश्व स्तर पर शुरू किया गया था, इसके लिए वर्ल्ड प्लेनेटरी रिसोर्सेज की स्थापना हुई थी। विश्व स्तर पर एक दर्जन से अधिक देशों ने इस अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश किया। इसमें ही जापान का एस्ट्रो स्केल और अमेरिका का 3D सिस्टम शामिल है, जो कि सेम काम करने में सक्षम है।